और यार दोस्तों, अपनी गाय के लिए लेकर आ गया हूँ मैं भाई चारा, मतलब भूसा। यार दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को अपनी गाय नहीं दिखाई, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी गाय हमने कितने की ली है और कैसे सौदा करा। पूरी वीडियो आप लोगों को मिलेगी। यार दोस्तों चेक करें भाई, मुर्गी की टांगे बिचारी की ना यार, क्योंकि अंडों पर बैठे बैठे ओए होए होए होए। अबे यार इसको मैं उठाता हूँ हाथ से पकड़ के, इसकी थोड़ी सी हेल्प करवाता हूँ, इसके पाँव वगैरह सहलाते हैं। यार बिचारी के पाँव ना बहुत यार बहुत तकलीफ में अंडों पे बैठी हुई होती है। छत के ऊपर आया हूँ और छत के ऊपर आते के साथ ही देख रहा हूँ कि हमारी ब्लैक आर्मी खुली हुई है। यार दोस्तों हमारे ब्लैक वाले चूजे कैसे खुल सकते हैं? मैं तो हमेशा सबसे पहले खोलता हूँ ढीट मुर्गी, उसके बाद ये सबसे एंड में खोलता हूँ ब्लैक आर्मी को। और हुमायूं ने पता नहीं क्या यार क्या करा है, तुमने पहले इनको खोल दिया क्या? ये सारे चूजे ना वो वाले वहां से पिंजरे में आ गए थे ब्लैक आर्मी, और उन्होंने कबूतर को भी जख्मी कर दिया। सब बच्चे चूजों के, कबूतरों के बच्चे, अंडे सब बच गए। ओए होए 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 दोस्तों, हुमायूं ने जब ही खोला इसको तबाही मचा दी थी इन्होंने अंदर आती। वो तो मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ, एक ही कबूतर जख्मी हुआ है। तो तुम्हें पता कैसे चला? निशानदेही की कॉल आई थी मेरे पास। अबे यार दोस्तों कल ही मुझे शक हो रहा था, मैं आप लोगों को बताता हूँ रीजन के। ब्लैक आर्मी हमारी जो ब्लैक आर्मी है कैसा ही कबूतर के केज में। देखें दोस्तों, हम ब्लैक आर्मी को इसमें बंद करते थे ना, हमने आज ये जो कल है ना ये हमने केज से बाहर निकाल दिया और केज पूरा इनको बड़ी स्पेस दे दी ताकि इनके पर वगैरह जल्दी आ जाए। अब ये पूरा हमारी ब्लैक आर्मी का केज है। और ये निकल के कहाँ से आया? लेकिन वो बिल्कुल कोने से, कॉर्नर से निकल कर आए। अबे यार दोस्तों ये यहाँ से निकल कर आ गए, देखें जाली तोड़ दी है इन्होंने। यार जाली तोड़ने के बाद यहाँ पर आ गए और हुमायूं बता रहे हैं कि किसी कबूतर पर अटैक भी कर दिया। खैर यार देखने पता नहीं किस पे करे, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है इन्होंने मारा नहीं कोई कबूतर को, वरना जिस तरीके से कंडीशन बता रहे हैं ना हुमायूं, तो मुझे तो लग रहा था चार पांच कबूतर मर जाने चाहिए थे। लेकिन यार अल्लाह का लाख शुक्र है कोई कबूतर हमारा मरा नहीं है। यार तुम लोगों को मैं जब भी तो खोलता नहीं हूँ यार दोस्तों, इनकी यही हरकत है, इन्होंने ऊट पटांग हरकतें करी होंगी, जाली तोड़ दी और जाली तोड़ने के बाद कबूतर के केज में आ गए। खैर यार दोस्तों आज मैं अर्तरूल को भी देखें कहाँ बंद करके गया था, अपने चुन्नू मन्नू के साथ अपने अपने अर्तरूल को बंद करा हुआ है। खैर मैं ढीट मुर्गी को खोल देता हूँ, क्योंकि ढीट मुर्गी इनको मारेगी ना ये खुद ही भाग जाएंगे, ढीट मुर्गी को इनसे कोई डर नहीं होता। दोस्तों ये देखें यार अभी तो ये सर्वाइव, यार दोस्तों पहले भी काफ़ी जख्मी था, अब दिखाता हूँ आप लोगों ने फ्लैश ऑन करके देखें। अच्छा खासा अटैक किया भाई इसके ऊपर, मारा यार इस बेचारे को यार। लेकिन यार दोस्तों अभी ये ठीक हुआ था यार, ये बेचारा उड़ नहीं सकता ना, यही रेंज में आता है हमेशा, क्योंकि इसको उड़ना नहीं आता और ये थोड़ा बीमार भी रहता है। तो यार इसको हम दाना भी रोज़ अपने हाथ से खिलाते हैं। यार तुम लोगों ने आज ना बहुत गलत करा है यार दोस्तों, हमारी ब्लैक आर्मी इतनी फंटर है। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है किसी अंडे वगैरह चेक करते हैं चल के, अंदर के अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचाया हो इन्होंने। तो गेट खोलता हूँ और अंडे वगैरह चेक करता हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है दो अंडे इसके भी सेव हैं, और दो अंडे इसके भी सेव हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, और हमारे इस बेबी को भी कुछ नहीं हुआ। और जो तो बिल्कुल छोटे छोटे से बेबी निकले ना दोस्तों, ये देखें यार ये घूम रहे हो तुम उसके, जब ये भी इसी का बेबी है, ये जान के मार रहा है यार, क्योंकि इसको अपने बेबी क्यों, अरे मुझे लग रहा है एक बेबी मर तो नहीं गया यार, पास जाऊंगा तो पाँव भी रख देगा। लेकिन दोस्तों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ओए होए मोटू टकरा गया। नहीं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों बेबीज भी सेव हैं और ये भी अंडे भी और इसके अंडे भी, और हमारे जो मोटू कबूतर है माशाल्लाह से तकरीबन पूरा जितने भी कबूतर है ना सारे सेव हैं, बस एक ही कबूतर पर अटैक करा है। यार दोस्तों हमारे को ना ब्लैक आर्मी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यार ये रोज इस तरह करेंगे, और देखें यार उड़ते भी हैं माशाल्लाह। ओए होए 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 होए, आप लोगों को लग रहा होगा यार कोई ईगल आ गई, लेकिन ईगल नहीं है, हमारी ब्लैक आर्मी है दोस्तों, और सारे अभी वहाँ जा चुके हैं। तो यार मैं जब तक ना अपनी ढीट मुर्गी को बाहर निकालता हूँ, ये हटाते हैं इसके ऊपर से, ये हमने इसके अंडों की ना सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है दोस्तों, ताकि अंडे सेफ रहें। और देखें यार आज मैंने इधर करके रखे थे ना अंडे, तो एक अंडा भी कोई गिरा नहीं है, और हमारी मुर्गी माशाल्लाह से आराम से अंडे पर बैठी हुई है, और दो अंडे इसके नीचे भी मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। खैर यार जल्दी से अपनी मुर्गी को निकालते हैं। कल इसके भाई एग कैंडलिंग करी थी, अगर आप लोगों ने ब्लॉग में देखा हो तो आप लोगों को शायद याद हो, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना तो आप लोग ब्लॉग जाके देख सकते हैं। कल वाला 11 अंडे हैं, 11 में से 9 अंडे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्टाइल हैं, और दो अंडों का कुछ बोल नहीं सकते यार। कल एग कैंडलिंग करी थी तो दो अंडों में 50-50% हमारे को शक भी हो रहा है ना यार के फर्टाइल होना ही हो। यार ये इतना शोर करता है ना, इतना शोर करता है ना, सर में दर्द करता है दोस्तों। और आज तो देखें यार माशाल्लाह से अर्तरुल के भी पाँव आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। अर्तरुल को चुन्नू मुन्नू के साथ बंद करा है, और हमारी फंटन मुर्गी तीनों साथ हैं भाई, अम्मा अब्बा और उनका छोटा चुन्नू मुन्नू। यार दोस्तों आज मुर्गी कोने पे बैठी है ना, इस वजह से हमें अंडों से उठाने में इसके थोड़ा सा मुश्किल वो हुआ यार। खैर मुर्गी को अल्हम्दुलिल्लाह हमने उठा दिया, और इसके बेचारे ये पाँव चेक करें। यार दोस्तों चेक करें भाई, मुर्गी की टांगे बिचारी की ना यार, क्योंकि अंडों पर बैठे बैठे ओए होए होए होए। अबे यार इसको मैं उठाता हूँ हाथ से पकड़ के, इसकी थोड़ी सी हेल्प करवाता हूँ, इसके पाँव वगैरह सहलाते हैं। यार बिचारी के पाँव ना बहुत यार बहुत तकलीफ में अंडों पर बैठी हुई होती है, और दोबारा अंडों पर बैठने ही कर रही है भाई, रुक जाओ थोड़ा रेस्ट करो। यार दोस्तों अल्लाह ताला का निज़ाम है, मैं क्या कर सकता हूँ यार, अंडों पर बैठी हुई और उसके पूरे पाँव ना इधर के उधर हो जाते हैं। खैर यार हम इसको थोड़ा प्यार प्यार करते हैं,
और यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे लग रहा है इसके पाँव ना इसी केज के अंदर स्लिप हो रहे हैं। यार आप लोग कमेंट में लाजमी बताया करें कि हम अपनी मुर्गी के साथ क्या करें, इसके पाँव मुझे ऐसा लग रहा है स्लिप हो रहे हैं या ये खुद ही करके बैठी हुई है, ये भी आप लोगों ने लाजमी बतानी है बात। और हम लोगों ने अंदर भूसा डाला हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा हर बंदा भूसा डालता है, शायद मैंने कोई गलती वगैरह कर दी हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करें यार हमसे क्या गलती हो रही है, क्योंकि देखें आज तो बहुत ही कंडीशन मुझे ना अपनी मुर्गी की ख़राब लग रही है, बड़ा काफ़ी टाइम हो गया यार खड़े खड़े इस तरह, अब जाके थोड़ी बहुत सेट हुई है ये। और इसको ना मैंने दाना भी डाल दिया दोस्तों, दाना वाना खा लेना जल्द से जल्द, उसके बाद यार इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों। मुझे आज देख के तो बहुत दुख हो रहा है यार, इसकी दोनों टांगें ना इधर उधर गई हुई थी बेचारी की, पता नहीं क्या हो गया इसको यार, या तो हम लोगों से कोई गलती हो रही है दोस्तों। आप लोग प्लीज़ 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 यार कमेंट्स मेरा लाजमी बताया करें, हमसे जो भी गलती हो जाए करें आप लोग बता दिया करें। और यार दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह से आप लोग एक बात बताऊं भाई, 3 से 4 दिन हो चुके हैं जो हमारी फिंचेज है ना यार अपने अंडों पर बैठ रही है, पहले अपने अंडों पर नहीं बैठती थी, लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन से ये देख रहा हूँ कि हमारी फिंचेज अपने अंडों पर डेली बैठ रही हैं यार, फिंचेज भी और बेंगलाइज तो आप लोगों को पता है बैठती हैं। और बस यार अब ये ना अंडे ख़राब ना करें दोस्तों, इंशाल्लाह इनके जब मुझे लग रहा है बेबीज़ निकल जाएंगे, लेकिन एक ही इनमें ख़राब ही है, इनके बेबीज़ निकलते हैं ना अपने बेबीज़ को नीचे फेंक देती हैं यार बेचारी ना, कभी पानी में फेंक देंगी कभी कहीं फेंक देंगी। और देखें यार मेल माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर बोलना भाई दोस्तों, 3-4 महीने बाद जाकर ये अपने अंडों पर बैठ रही हैं यार, वैसे अंडे जीती थी लेकिन अंडों पर बैठती नहीं है, और बेंगलाइज जो है माशाल्लाह से वो तो ऐसी बैठी हुई अंडों पर, लेकिन बेंगलाइज की दोस्तों एक प्रॉब्लम है यार, बेंगलाइज के जो अंडे हैं ना फर्टाइल ही नहीं होते, हमेशा बेंगलाइज के अंडे ऐसी खाली खाली निकलते हैं जब हम तोड़ते हैं एंड टाइम पे ना, जबकि फिंचेस के तो बेबीज़ भी काफ़ी दफ़ा निकले हैं, लेकिन फिंचेस जो है ना वो देखें दोस्तों मेल जाके माशाल्लाह माशाल्लाह अंडे पर बैठ गया भाई। अब मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा इनको, आप लोगों को दिखा दिया मैंने कि हमारी फिंचेस ने अंडे पर बैठना स्टार्ट कर दिया। और यार दोस्तों देखें हमारा मिट्टू बैठा हुआ है अपने बेबी के साथ, और यार अपने बेबी से ना बहुत प्यार करता है दोस्तों, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार कल है संडे तो कल चल के ना हम लोग इसके लिए फीमेल ढूंढ लेते हैं एक अच्छी सी ना, यार हमारे मिट्टू को भी यार फीमेल की ज़रूरत नीड है भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है इसके साथ फीमेल नहीं है, हालांकि इसके 5 बेबीज़ भी निकले थे लेकिन यार उनको नज़र लग गई, फीमेल भी मर गए और सारे बेबीज भी मर गए, बस एक ही बेबी बचा है माशाल्लाह से ये वाला। और दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई हमारे मोटू कबूतर का एटीट्यूड चेक करें यार, मोटू कबूतर जब ऐसे डांस करता है ना बहुत प्यारा लगता है, ओए उसके ऊपर भाई हमारी फीमेल भी यार डांस कर रही है, लेकिन मोटू अगर इसको मारेगा ना दोस्तों, ये पेयर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा पेयर है यार हमारा, आप लोगों को याद होगा इसका ये जो ब्लैक वाला है ना ये भाग गया था तो दिशान भाई ने पकड़ा था इसको। और दोस्तों अभी ना भाई बड़ा ज़बरदस्त क्लैश हो गया था यार हमारी ब्लैक आर्मी के दरमियान और ये जो ब्लैक आर्मी कौओं की है ना, ये वाली ब्लैक आर्मी और हमारी ब्लैक आर्मी की फाइट हो गई थी। खैर जब हमारी ब्लैक आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह यार बहुत फंटर है, इन्होंने सारे कौओं को भगा दिया था, अब यहाँ पर आ गए ना ये फिर दोबारा कौए वहाँ पर आ चुके हैं, वरना यार हमारी ब्लैक आर्मी से ना दोस्तों कोई फाइट करता नहीं है इतनी आराम से। और यार दोस्तों अपनी गाय के लिए लेकर आ गया हूँ मैं भाई चारा मतलब भूसा। यार दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को अपनी गाय नहीं दिखाई, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी गाय हमने कितने की ली है और कैसे सौदा करा, पूरी वीडियो आप लोगों को मिलेगी। पहले चारा देखें, गाय के लिए चारा लेकर आ गया हूँ, आप जल्दी से डालते हैं अपनी गाय को चारा। और दोस्तों काफ़ी सारा मैंने ना भूसा डाल दिया और इसकी बेताबी चेक करें भाई, जाओ 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 बढ़िया अपने अंडों पे जाके, कुछ नहीं कर रहे तुम्हारे अंडों के साथ, एक तो तुम्हारी भलाई कर रहे हैं ऊपर से तुम्हें इतनी जल्दबाजी हो रही थी। यार दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसकी टांगें ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसकी टांगें मतलब भाई बहुत ज़्यादा यार दर्द हो गया था बेचारी की, एक टांग इधर और एक टांग उधर चले गई, जब देखें यार आराम से जाके ना अपने अंडों पर बैठ जाएगी। और मैंने जो ज़्यादा काफ़ी सारा भूसा डाला और अभी भी काफ़ी सारा भूसा बचा भी, कल हम ना रोज़ रोज़ दोस्तों भूसा डालते रहेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत गिर भी जाता है ना यहाँ पे यार, तो इस वजह से ये भूसा पहले से कम होता जा रहा था, अभी आराम से ना अपने अंडों पर बैठ जाएगी। यार दोस्तों मैंने अपनी ब्लैक आर्मी के लिए चिप्स लेकर आया हूँ भाई, अपनी ब्लैक आर्मी को चिप्स खिलाते हैं, देखें यार कितने शौक से खाएंगे, पहले सबको बुलाएंगे। जी दोस्तों देख करें यार माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे 5 के 5 आ चुके हैं और आराम से ना ये चिप्स वगैरह खाते रहेंगे। यार इनकी दोस्तों कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये दोबारा ताकि उस केज में ना आए। और कौवे भी आ रहे हैं चिप्स देख के भाई, ब्लैक आर्मी को भी पसंद है, इसका मतलब जो चिप्स है ना हमारे सारे बर्ड्स को पसंद है। दोस्तों चुन्नू मुन्नू हमारा ये घूम रहा खामोशी से, इसको पकड़ते हैं। अब यार आप लोगों ने स्पीड देखी हमारे चुन्नू मुन्नू की कितनी तेज़ है, और अर्थरोल ने देख लिया था मेरे को उसको पकड़ते हुए। खैर यार मैं बच गया हूँ क्योंकि अर्थरोल काफ़ी दूर था, मैं पकड़ूंगा चुन्नू मुन्नू को जब जब अर्थरोल दूर होगा ना भाई, इसको पकड़ के तो रहूँगा, इसको प्यार तो करूँगा यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर भाग रहे थे तुम आज, तुम इतने चलाक क्यों हो, तो मैं रोज़ बताता हूँ, मैं सिर्फ दोस्तों इसको यूं करके प्यार करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करता। और इसका शोर शराबा देखें, ऐसा लग रहा है मैं इसको बहुत ज़्यादा मार रहा हूँ या इसको दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा मैं तुम्हारे साथ। चुन्नू मुन्नू आज आपको एक ऐसी चीज़ खिलाऊंगा आपको ना मज़ा आ जाएगा यार, चुन्नू मुन्नू को भी जो हम चिप्स खिला के चेक करते हैं क्या चाहिए क्या क्या। चुन्नू मुन्नू बहुत प्यारा है यार दोस्तों, चुन्नू मुन्नू को एक चिप्स खिला के ट्राई करते हैं, खाता ही नहीं खाता। मुन्नू को आगे ना मैंने चिप्स रख दिया, शायद ये खा ले। अबे 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 ऊपर से नहीं जंप लगा लेना भाई, यहाँ जाओ 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 आराम से जाओ, और ये रहा चिप्स ये खाओ खाओ।
नहीं दोस्तों, चुन्नू मुन्नू चित नहीं खा रहा भाई। चुन्नू मुन्नू को जब तक हमारी फंटर मुर्गी नहीं बोलेगी ना, और यार चेक करें कौवे आ रहे थे तो कैसे फंटर मुर्गी ने भाग के कुछ। असल में कौवे जो आ रहे हैं ना चुन्नू मुन्नू के चक्कर में नहीं आ रहे, कौवे चित खाने के चक्कर में आ रहे हैं। वो देखें दोस्तों यहाँ पर बैठे हैं। ओए होए 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 तुम भूसा फाड़ने में लगे हो ना, हटो इधर से, दिमाग खराब, पूरा भूसा अपना ऐसी तैसी करते थे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की नई वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कल के व्लॉग बनाएंगे हम लोग मार्केट जाकर, और इंशाल्लाह करेंगे बहुत सारी शॉपिंग।